Characteristics of ohmic and non-ohmic conductors. Ohm's law is valid only for certain materials. Ohm's law सिर्फ एक certain materials के लिए valid है. Materials जो कि obey करते हैं Ohm's law and they have a constant resistance over wide range of voltages, they are said to be ohmic. वो materials जो कि resistance जिनकी resistance change हो रही है voltage के साथ या current के साथ, they are termed as non-ohmic. So ohmic conductors का एक linear voltage current relationship है. और लार्ज रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेजेस स्ट्रेट लाइन शो करिए कांस्टेंट रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ओम्स लॉ वे हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल मोस्ट मेटल्स शो करते हैं ओमिक बिहेवियर्स. जो नॉन ओमिक मटेरियल्स हैं उनका नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैम्प थर्मिस्टर जो रेजिस्टेंस है फिलामेंट की वो राइज करती है जब वो हॉट होते हैं जो कि शो होती है ग्रेडियंट जो गेटिंग स्टीपर. जो एक थर्मिस्टर है जो कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है वो अपोजिट में बिहेव करते हैं. उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है जब करंट इंक्रीज होता है एज इट गेट्स हॉटर. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. अ शॉर्ट पाइप ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो देन अ लॉन्ग पाइप. एक शॉर्ट पाइप जो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है वाटर को देन अ लॉन्ग पाइप. ऑल्सो जो पाइप इसका लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा देन हैविंग अ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया. सेम इज द केस फॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो करंट कैरी कर रही है. रेजिस्टेंस डिपेंड करिए क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ ऑफ वायर पर और मटेरियल की नेचर पर. थिक वायर्स की लेस रेजिस्टेंस होगी देन थिन वायर्स. लॉन्गर वायर्स की ज्यादा रेजिस्टेंस होगी देन शॉर्टर वायर्स. कॉपर वायर की लेस रेजिस्टेंस है स्टील वायर की निस्बत. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है. एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो रेजिस्टेंस आर है वायर की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. मतलब रेजिस्टेंस लेंथ की प्रोपोर्शनल है. अगर हम लेंथ को डबल करें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो रही है और अगर लेंथ को हाफ करें तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो रही है. सेकंड पॉइंट रेजिस्टेंस वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल. अगर ये थिक वायर का स्मॉलर रेजिस्टेंस है मींस थिक वायर के स्मॉलर रेजिस्टेंस है थिन वायर. अब दोनों इक्वेशन को माइन करें तो हम क्या ऑब्टेन करते हैं आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. अब जो ये रो है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं. इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर पर और इसके ऊपर आयरन टिन सिल्वर की सबकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी. इफ यू पुट एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर स्क्वायर तो आर इज इक्वल टू रो दैट इज रेजिस्टेंस 1 मीटर क्यूब की इक्वल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के. यूनिट इसका ओम मीटर है. एग्जांपल देखते हैं. इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर अगर लेंथ कॉपर वायर की 1 मीटर है और डायमीटर 2 मिलीमीटर है सो वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस. हम फाइंड एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड विल ऑब्टेन द आंसर.